तो शिक्षकों की सीधी भर्ती विज्ञापन जारी हुए इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन कर सकते हैं है, सभी एप्लीकेशन ऑनलाइन कर सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल है सैलरी सिक्सटी टू थाउजेंड बासठ हजार रुपए प्रति माह फिक्स सैलरी दी जाएगी इसमें एग्जाम या इंटरव्यू कुछ भी नहीं रहेगा सिर्फ इसमें जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो एकेडमिक क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के बेसिस पर मेरिट लिस्ट बनेगी और उसी से शॉर्ट लिस्टिंग और फाइनल सिलेक्शन हो जाएगी तो बिना एग्जाम बिना इंटरव्यू के शिक्षक बन सकते हैं अटल आवासीय है विद्यालय जैसे आप नाम से ही समझ रहे हैं कि ये गवर्नमेंट द्वारा स्टेब्लिस्ड स्कूल्स हैं जैसे नाम से ही आप समझ रहे हैं कि अटल जी के नाम पर ये स्कूल का नाम रखा गया और साथ ही साथ ये आवासीय विद्यालय है, है रेसिडेंशियल स्कूल है इसलिए इसे बुलाया जा रहा है अटल आवासीय विद्यालय फिलहाल जो अट्ठारह खुले हैं अलग अलग यूपी के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अट्ठारह खुले हुए हैं जिनमें नाम अगर आप देखना चाहेंगे तो आगरा में है अलीगढ़ अयोध्या आजमगढ़ बस्ती बरेली चित्रकूट देवीपट्टनम झांसी कानपुर और इसके अलावा लखनऊ मेरठ मिर्जापुर प्रयागराज और गोरखपुर मुरादाबाद सहारनपुर और वाराणसी ये अठारह जो अलग अलग स्कूल के एड्रेस हैं इन जगह पे तो इसमें जो अटल आवासीय विद्यालय उत्तर प्रदेश में ओपन हुए हैं इनमें है फिल की जाएंगी अगर सभी स्कूल में समझे एक एक दो दो पोस्ट भी हुए तो काफी सारी वैकेंसीज और ऐसे और भी वैकेंसीज वे अलग अलग सब्जेक्ट की आती रहती है तो फिलहाल जो है कम है वैकेंसीज लेकिन इसमें आवेदन कौन कर सकेंगे ये भी हम देखेंगे अटल आवासीय रिक्रूटमेंट अटल आवासीय विद्यालय रिक्रूटमेंट तो इसमें प्रेस रिलीज में 29 सितंबर की है काफी पुरानी हो गई मेरे पास पहले से थी लेकिन एटीन अट्ट आवासी विद्यालय ईस्ट डिवीजन ऑफ उत्तर प्रदेश एंड द सेलेक्शन ऑफ टीचर इज टू बी डन ऑन कॉन्ट्रैक्ट फिलहाल जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हो रहा है एकेडमिक ईयर 2023-24 के लिए और इसमें सब्जेक्ट भी देखेंगे फिलहाल क्या सब्जेक्ट है इसके पहले भी वैकेंसीज आई थी बट अलग सब्जेक्ट अलग पोस्ट के लिए अभी जो आई हुई है वो है टीचर्स के लिए यहाँ पे सैलरी दी हुई सब्जेक्ट है इसमें साइंस सब्जेक्ट के लिए फिलहाल वैकेंसीज है साइंस के लिए है इंग्लिश के लिए है फिजिकल एजुकेशन टीचर फीमेल के लिए आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर के लिए म्यूजिक टीचर के लिए एंड कंप्यूटर स्लैश जी टीचर के लिए तो ये सारी वैकेंसीज फिलहाल है फिर आएंगे तो फिर और भी आपके लिए कवर कर दिया जाएगा इसमें जो है टीचर्स सैलरी आप यहाँ पर देखेंगे सैलरी लिखा हुआ है और साथ ही साथ ये भी लिखा है कि क्या क्वालिफिकेशन इनको चाहिए तो क्वालिफिकेशन में टीचर्स है नंबर ऑफ पोस्ट तो कुछ भी हो सकते हैं सिक्सटी टू थाउजेंड सैलरी दी बासठ हजार फिक्स सैलरी दी जाएगी पे ऊपर क्या लिखा फिक्स इसमें कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं तक के कैंडिडेट अप्लाई कर इकतीस अक्टूबर दो हजार तेईस को बेस लेके आपको एज कैलकुलेशन करनी है तो इकतीस अक्टूबर दो तक जिनकी उम्र पैंसठ साल या उससे कम है उनको वो अप्लाई कर सकते हैं अप्लाई कौन कर सकते हैं जो रिटायर्ड नवोदय विद्यालय से रिटायर्ड हैं सैनिक स्कूल से रिटायर्ड हैं केवीएस केंद्रीय विद्यालय से या फिर पब्लिक स्कूल्स कोई भी पब्लिक स्कूल कोई भी पब्लिक स्कूल या माध्यमिक यूपी का है तो आप या केवीएस कहीं का भी केवीएस ऑल इंडिया लेवल पर सैनिक स्कूल ऑल इंडिया लेवल पर नवोदय विद्यालय ऑल इंडिया लेवल पर कहीं से भी नवोदय विद्यालय से एनवीएस से केवीएस से सैनिक स्कूल से आप रिटायर हो चुके हैं या फिर यूपी माध्यमिक में या फिर यूपी के कोई भी पब्लिक स्कूल से आप में आपसे आप रिटायर हुए हैं तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं तो रिटायर्ड कैंडिडेट्स के लिए तो अच्छा है अच्छी ऊपर लेकिन आ, जो उत्तर प्रदेश में जो चल रहा है कि बेरोजगार जो अपने अनएम्प्लॉयड जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए कोई जॉब नहीं है ये एक बहुत ही गलत चीज़ है अगर वैकेंसीज़ हैं तो उसको पार्टीशन एटलीस्ट कर देना चाहिए कि कुछ तो वैकेंसीज जो है यंगस्टर्स से भी भरी जाएँ कितने सारे यंगस्टर्स जो जॉबलेस बैठे हैं एंड दे आर वेटिंग फॉर गुड अपॉर्चुनिटी एटलीस्ट ये भी अपॉर्चुनिटी आप दे दें सिक्सटी के साथ तो तो ये एक बहुत ही वटेवर बट जो भी है तो इसमें यही लिखा है कि आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं वेबसाइट हम देख लेंगे ये 20 अक्टूबर 2023 तक रात बारह बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं रात बारह बजे के पहले ही पोर्टल बंद होने लग जाएगा तो 20 अक्टूबर तक अगर आप रिटायर्ड कैंडिडेट हैं आप जॉब चाहते हैं किसी भी राज्य से आवेदन कर सकते हो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ये ऑफिशियल वेबसाइट है जैसे ही आप आएंगे तो यहां पर आपको दिखेगा अटल आवासीय विद्यालयों में शिक्षक यूपी में उत्तर प्रदेश में अटल आवासीय विद्यालय में शिक्षक पदों के लिए आवेदन से संबंधित जानकारी के लिए यहां क्लिक करें और जो अप्लाई करना चाहते हैं जो अप्लाई करना चाहते हैं रिटायर्ड कैंडिडेट वो यहाँ पर क्लिक करें तो ये पॉपअप ओपन करेंगे तो आपको वेबसाइट पूरा नजर आ जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें आप सभी को बेस्ट विशेष थैंक यू वेरी मच